बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़फ़र इकबाल से उस कैंडर स्कूल कोटरदू से। लास्ट टाइम क्लास 7 में चैप्टर नंबर 12 से 12.3 की थी, जिसके अंदर हमने सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मालूम किया था। आज सिलेंडर का वॉल्यूम पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास कोई सिलेंडर है, उसका रेडियस है, ये उसकी हाइट है। जब इसके सरफेस एरिया की बात हुई थी तो वो सिर्फ इसका सरफेस का एरिया था, और जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का उसका हमारे पास फार्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर इनटू एच। वही 3.22/7 रेडियस हो देगा, हाइट हो देगा। एग्जांपल मैंने आपको इसी बोर्ड मार्कर के दी थी कि ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप है। जब इसके सरफेस एरिया की बात हुई थी तो वो सारा इसका सिर्फ बाहर वाले, यानी कि सिर्फ वो जगह जहाँ पे ये लिखा हुआ यहाँ में नजर आ रहा है इसका सरफेस एरिया। कर्व्ड की बात हुई तो सिर्फ ये मुड़ी हुई जगह ऊपर और नीचे वाली जगह नहीं थी। अब वॉल्यूम है तो वो चीज़ मीन्स इसके अंदर जो चीज़ भरी जा सकती है। जैसे अगर एक गिलास है हमारे पास, वो सिलेंड्रिकल शेप है गिलास, गिलास के अंदर पानी कितना आ सकता है वो उसका वॉल्यूम है। पानी की बोतल है, उस बोतल के अंदर पानी कितना आएगा वो हमारे पास उसका वॉल्यूम है। तो आज हमने सिलेंडर के वॉल्यूम से रिलेटेड करने हैं। मेरे पास यहाँ पे 4 वर्ड्स प्रॉब्लम लिखे हुए हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फिगर के सवाल हैं वो सारे के सारे सेम एक ही फार्मूले से हैं। वैल्यूज पुट करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। तो हमारे पास सवाल नंबर 2 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम हमने मालूम करना है, हुज हाइट इज 9.8 एंड रेडियस इज 5.6 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास वॉल्यूम मालूम करना है, हाइट 9.8 सेंटीमीटर है और रेडियस है 5.6 सेंटीमीटर। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5.6 का स्क्वायर इनटू हाइट है 9.8। 7 वन्स आर 7, 7 वन्स आर 7, 2 यहाँ पे है, 0.74 आर 28, 22 इंटू 1.4, 5.6 का स्क्वायर मीन्स 5.6 मल्टीप्लाई बाई 5.6, 5.6 मल्टीप्लाई बाई 5.6, 36 का 6 3 कैरी, 30 और 3 33, 5 6 आर 30 का 0, 3 5 5 आर 25 और 3 28, 6 3 1 3, 56 का हमारे पास स्केयर आ जाएगा, 6 का 6 3 का 3 8 प्लस 3 11 का 1 1 कैरी। और दो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहे थे हमारे पास मल्टीप्लाई करते हुए क्वेश्चन में, तो यहाँ भी 31.36। फिर से देख लें, 6 6 आर 36 का 6 3 कैरी, 6 5 आर 30 प्लस 3 33, 5 6 आर 30 का 0, 3 5 5 आर 25 और 3 28। अब इन सारों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 22 2 6 आर 12 1 2 3 आर 6 और 1 7, 2 1 आर 2 2 3 आर 6, मल्टीप्लाई 2 7 2 6, 2 9 9 8 6। अब मल्टीप्लाई बाय 1 पॉइंट, अच्छा यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1.4, 4 2s आर 8, 4 9s आर 36, 3 4 9s आर 36 और 3 39, 3 4 8s आर 32 और 3 35, 4 6s आर 24 और 3 27, 2 9 9 8 6, 8 18 का 8 15 का 5 16 का 6 और ये 9। पॉइंट देखें 2 और 1, ये पॉइंट के बाद कुल मिला के हमारे पास यहाँ बन रहे हैं 3 डिजिट, तो 1 2 3 9 6 5.88, यानी वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 9 6 5.8 8 8 8 क्यूबिक सेंटीमीटर। एरिया जो होता है वो हमेशा स्क्वायर में लिया जाता है, और जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा हमारे पास लिया जाता है क्यूबिक में, सेंटीमीटर हो मीटर हो। अगर ये लिख देंगे ये भी ठीक है, या मज़ीद अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहें तो 9
6 5.8, इस 8 से ये 9 हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर, इस 9 से ये 9 हो जाएगा, ये भी लिख सकते हैं, आप मजीद राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 311.85 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड हाइट, वॉल्यूम है 311.85 क्यूबिक सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर, रेडियस मालूम करना है। वॉल्यूम का क्या फार्मूला है जी? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कितना है? 311.85 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, एच की जगह पे आएगा 10। 311.85 मल्टीप्लाई 7/22 और 10 वहाँ ऊपर है यहाँ के नीचे इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 11 2s are 22, 9 बचेगा 91, 11 8s are 88, 3 बचेगा 22 1s are 22, 11 से 2 गया तो 9, ये 0, 1, 22 4s are 88, बाकी बचा 3, 8 आया नीचे पॉइंट ऊपर चला गया, 1s are 22, ये बचेगा 6, 1 और ये आया 5, फिर 22 के करीब तरीन हमारे पास यहाँ पे टेबल आ जाएगा, 6 2s are 12 1 6 2s are 12 और 1 132, ये कम है, 8 2s are 16 8 2s are 16 और 1 17, 7 से 7 2s are 14 14 और 1 15 154, 1 पॉइंट लगा हुआ है ऊपर से आ जाएगा 0, 22 5s are 110, ये सारा कट के हमारे पास रह गया 5 multiply by 7/10, और 5 1s are 5 2s are 7/2 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, 2 से इसको करेंगे 3.5 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, इधर भी अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, 3.5 हमारे पास अंडर रूट है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। फिर देखें हमने क्या किया, 7 यहाँ डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई, 22 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड, 10 यहाँ मल्टीप्लाई में था यहाँ आके डिवाइड, 22 पे इसको हमने कट किया है, या 22 पे कट करना है तो वो भी ठीक है, मज़ीद अगर आप और सिंपलीफाई करना चाहें तो आप इसको छोटे टेबल से भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। 11 2s are 22, बाकी बचा 9 91, 11 8s are 88, बाकी बचा 3 38, 11 3s are 33, बाकी बचा 5 11 5s are 55। फिर इसको जब आप मज़ीद 2 पे डिवाइड कराएंगे, 2 1s are, यही क्या हो जाएगा 2 8.35 मल्टीप्लाई बाई 7/2 मल्टीप्लाई बाई 10, 2 14.21 are 2 1, यहाँ पे 2 7s are 5, ये हो जाएगा 14 1 7 5 मल्टीप्लाई बाई 7 ओवर में रह जाएगा 10, इसका एक पॉइंट ट्रैवल कर जाएगा 14, ट्वेंटी टू मल्टीप्लाई बाई टेन 311.85 डिवाइडेड बाई 22, इसका आंसर गलत प्लेस हो गया, 22 1s are 22, बाकी बचा 91, 22 4s are 88, बाकी बचा 3 38, 1s are 22, बाकी बचा 16, 5 7s are 154 था 11, 0 5s are 110, यहाँ पे वैल्यू आएगी 14.175 मल्टीप्लाई 7 ओवर में आ जाएगा 10, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 175 डिवाइडेड बाई 10, 10 1s are 10, 4 1, पॉइंट ऊपर चला गया 4s are 41, 7 1s are
10, बाकी बचा 7, 5, 7 आर 70, बाकी बचा 5, ये आ जाएगा 1.4175 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 5 आर 35 का 5, 3 कैरी 7 7 आर 49 और 3 52 का 2, 5 कैरी 7 1 आर 7 और 5 12 का 2, 1 कैरी 7 4 आर 28 और 1 29, 2 कैरी 7 1 आर 7 और 2 9, पॉइंट के बाद 4 डिजिट थे, ये हो जाएगा हमारे पास 9.9225 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, बोथ साइड पे अंडर रूट लिया हमने, R इज इक्वल टू, अब इसको हम अंडर रूट को करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लें या डिवीजन मेथड से, 9.9225 ये पेयर, ये पेयर, ये अकेला 3 3 आर 9, पॉइंट ऊपर चला गया 92 का पेयर नीचे आया, 3 का डबल 6 1 आर 61, 2 से 1 गया 1, 9 से 6 गया 3, 25 नीचे आया, यहाँ प्लस 1 करेंगे ये हो जाएगा 26, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3125, R इज इक्वल टू 3.15 सेंटीमीटर। क्या किया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की जगह उसकी वैल्यू पुट की, 11 से कट कर लें, 22 पे डायरेक्ट कट कर लें, नो इशू, सिंप्लीफाई करने के बाद 10 पे डिवाइड किया, फिर 7 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 912.225। उसका जब हमने रेडी, उसका लिया हमने स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर, रेडियस बराबर है 7 सेंटीमीटर, वॉल्यूम बराबर है 2233 क्यूबिक सेंटीमीटर, और हाइट हमने मालूम करनी है, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर एच, 22/7 इंटू आर की, हमारे पास आर की वैल्यू है 7 का स्क्वायर, एच वैसे ही और वॉल्यूम था 2233, ये क्या हो जाएगा 2233 मल्टीप्लाई 7/22, यहाँ 7 ऊपर था नीचे, इसका क्या बनेगा स्क्वायर 49 इज इक्वल टू एच, 11 2s आर टेबल नहीं गया 0, 11 3s आर 203/2 मल्टीप्लाई 7 1s आर 7 7s आर ओवर में मल्टीप्लाई बाई 7, 7 2s आर 14 बाकी बचा 6 63, 7 9s आर 29/2 इज इक्वल टू एच, ये कट के आ जाएगा 14.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एच, 29 डिवाइडेड बाई 2 1s आर 2 9 2 4s आर 8 बाकी बचा एक पॉइंट लगा के 0 2 5s आर 10। नंबर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, फाइंड रेडियस ऑफ सिलेंडर व्हेन हाइट इज, हाइट इज 9.2 सेंटीमीटर, वॉल्यूम है 5667.2 क्यूबिक सेंटीमीटर, आर हमने मालूम करना है। ये सवाल सेम दूसरे सवाल की तरह है, फार्मूला लिखकर इसमें आर कैलकुलेट करना है, अंडर रूट वगैरह सब कुछ लेना है। तो हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है पाई आर का स्क्वायर एच, वॉल्यूम है 5667.2 इज इक्वल टू 22/7 आर का स्क्वायर, और एच की जगह पे आ जाएगा 9.2, 5667.2 मल्टीप्लाई 7/22 और 9.2 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। क्या किया, 7 यहाँ डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में आ गया, मल्टीप्लाई वाले दोनों के दो डिवाइड में आ गए। अच्छा, इस पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इस पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ये पॉइंट से पॉइंट हमारे पास ख़त्म हो सकता है। 11 2s आर 22, 11 5s आर 55, 11 1s आर 11, 5 बचेगा 57 हो जाएगा, 11 5s आर 55, 2 बचेगा 22, 11 2s आर 22, 5152 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 92 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, 2 2s आर 4, 2 5s आर 10, 2 7s आर 14, 2 6s आर 12, 2 5 7 6 मल्टीप्लाई 7/92 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, 2 4s आर 8, 2 6s आर 12, 2 1s आर 2, 2 2s आर 2 8s आर और 2 8s आर, 1 2 8 8 मल्टीप्लाई बाई 7/46, फिर 2 से 23 आ जाएगा, 2 6s आर 2 4s आर 2 4s आर
644 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 23, 644 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 फोर्स आर 28, 28 और 230, 7 सिक्स आर 42 और 3, 43 डिवाइडेड बाय 23, 23 वन्स आर 23, बाकी बचेगा 200। अब 23 को अगर मैं करूं, 7 थ्रीज आर 21 का 1, 2, 7 टूज आर 14 और 2, 16, 8 थ्रीज आर 24 का 4, 2 कैरी, 8 टूज आर 16 और 2, 18, 90 से देख लेते हैं, 9 से, 9 थ्रीज आर 27 का 7, 2, 9 टूज आर 18 और 2, 20, ये बड़ा हो गया, इट मीन्स 8 वाला ठीक है, 8 से क्या आएगा 184, 10 से 4 गया 6, 9 से 8 गया 1, ऊपर से 8 आ जाएगा नीचे 168, ये देखें 7 से करीब तरीन आ रहा था 161, बाकी बचा 7, पॉइंट लगा 0 बढ़ा, 2s आर हो जाएगा हमारे पास 23 को 3 से, 3 3s आर 9, 3 2s आर 6, 69 बाकी बचा एक, ये हमारे पास कभी भी ख़त्म नहीं होगा, 187.3 is equal to r का स्क्वायर, ये क्या बना, बल्कि 9 से किया था ना, ये दोनों साइडों पे हम लेंगे अंडर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां देखें उसका अंडर रूट 187.3, ये पेयर ये अकेला और ये पेयर, 1 वन्स आर 1, बाकी 0, 87 आया नीचे, 1 का डबल 2, 2 के साथ टेबल मिलाना है, 4 फोर्स आर 16 का 6, 1 कैरी, 4 टूज आर 8 और 1, 9, यहाँ हमने डिवाइड सही किया, 23, 9 थ्री ज़ार 27 का 2, 9 टू ज़ार 18, ये बड़ा हो गया, सिक्स सिक्स फाइव सिक्स सिक्स 7.2 मल्टीप्लाई बाई 7 ओवर 22 मल्टीप्लाई बाई 9.2, पॉइंट से पॉइंट ख़त्म हो गया इसका, या इसका ऊपर मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा, उसका नीचे आ जाएगा 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 11 टूज आर 11, फाइव्स आर 55, 1 यहाँ पे, 11 वन्स आर 11, बाकी बचा 5, 57, 11 फाइव्स आर बाकी बचा 2, 11 टूज आर, ये हमारे पास क्या आया, 5152 मल्टीप्लाई 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई 92, 2 टूज आर, 2 फाइव्स आर 10, 2 सेवन्स आर, 2 सिक्स आर मल्टीप्लाई 7 ओवर 92, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 फाइव सेवन सिक्स, 7 सिक्स आर 42 का 2, 4 सेवन सेवन आर 49 और 4 53 का 3, 5 सेवन फाइव आर 35 और 5 40 का 0, 4 सेवन टू आर 14 और 4 44 डिवाइडेड बाई 92, 92 वन्स आर 92, 10 से 2 गया तो 8, 3 13 से 9 गया तो 4, 3 आ गया, 1 आ गया, अब 92 को 9 टू आर 18 का 8, 1 9 9 आर 81 और 1 82, ये तो बहुत बड़ा हो गया, 9, 4 टू आर 8, 4 9 आर 36, 92, 5 टूज आर 10, 5 नाइन आर 45 और 146, 6 भी चेक कर लेते हैं, 6 टूज आर 12, 6 नाइन आर 54, अच्छा ये बड़ा है, 5 वाला ही ठीक है, 5 आर 460, 3 2 ऊपर से आ जाएगा 2, 4 वाला बड़ा था, 3 चेक कर लेते हैं, 1 5
थ्री फाइव आर 15 का 5, 3 वन ज़ा 3 और 1, सॉरी 92 से चेक करना है, 3 टू ज़ार 6, 3 थ्री ज़ार 9, बहुत कम है, 92 3 नाइन ज़ार 27, बड़ा हो गया 3 वाला, 2 चेक करते हैं, 92 2 टू ज़ार 4 और 2 नाइन ज़ार 18, 184, बाकी हमारे पास बचेगा 12 से 4 गया तो 8, 12 से 8 गया तो 4, 48, ये पॉइंट लगा, 0 बढ़ी, पॉइंट लगने के बाद 0 बढ़ी, 92 को 480 के करीब तरीन जाना है, ये 460 ही ठीक है, फिर 5000 460 0 2, बस हम ये इतना ही ले लेते हैं, इसको आगे नहीं चलाते, कि यह आ जाएगा 153.5 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, इधर भी अंडर रूट और इधर भी अंडर रूट, दोनों साइड पे जब हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, यानी ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगी, आर की यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो आप खुद निकाल लेंगे, या कर ही लेते हैं, वन फिफ्टी थ्री पॉइंट फाइव, ये पेयर ये अकेला ये पेयर, वन वन ज़ार वन, 53 वन का डबल टू, टू ज़ार 44, 13 से 4 गया तो 9, 950 पॉइंट ऊपर चला गया, यहाँ पे आ जाएगा 24, 24 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 7 सेवन ज़ार 49 का 9, 4 सेवन फोर ज़ार 28 और 4, 32 का 2, 3 7 2s are 14, 14 और 3 17, ये ज़्यादा हो गया तो 24 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5s are 25, 2 5 4s are 20 और 2 22, 5 2s are 10 और 2 12, ये भी ज़्यादा है, 4 4s are 16, 4 4s are 16 और 1 17, 4 2s are 8 और 1 9, ये भी ज़्यादा है, इट मीन्स 5 के बाद ये आएगा 3 पे, 3 थ्रीज़ आर 9, 3 फोर्स आर 12 का 2, 1 3 टूज़ आर 6 और 1 7, बस हम यहाँ पे आंसर ले लेते हैं इसका, 12.2 सेंटीमीटर, ये हमारे पास थी 12.4 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की, रेडियस मालूम करना है, अगर सवाल में कहीं भी कोई वैल्यू गलत पुट हो गई हो और कैलकुलेशन में ऊपर नीचे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो आप कैलकुलेटर से करके उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, इसको होमवर्क में नोट करेंगे, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।